राकेश कुमार लोन हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेजी पे के बारे में बताऊंगा। जो आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की थी कि मतलब कि इनको, उसके कारण कई पे लेटर ने अपनी सेवाएं बंद कर दी और जो जुपिटर था उसने तो 8 से 10 दिन पहले ही अपनी सेवाएं बंद कर दी थी। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने इसमें रात इनकी रिपेमेंट करी। जब मैंने इनकी रात रिपेमेंट करी ये 30 जून को 4000, और 4000 रुपये मैंने इनकी रिपेमेंट करी। मैंने उससे पहले 30 जून को ही 500 रुपये और 50 रुपये डाले थे। मैंने तो ये करके पेमेंट डाले थे कि चलो मैं कल इसको निकाल कर इनकी पेमेंट कर दूँगा, पर जो आरबीआई की गाइडलाइन थी उनके कारण ही लेजी पे ने भी अपनी सेवाएँ बंद कर दी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्लाउड टू रिच और बैंकिंग पार्टनर द क्लाउड बी टेक्निकल इशू डोंट वेरी वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड वी विल लेट यू कैनो वंस टू फिक्स। इन्होंने भी अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। अगर इन्होंने अपनी सेवाएं नहीं बंद, अब ये टेक्निकल इशू इनको 1 तारीख को ही क्यों आया, क्योंकि 1 तारीख को बिल बनता है, 3 तारीख को बिल पे होता है। इसलिए इन्होंने ये करी कि अगर कोई भी लेजी पे से, मतलब लेजी पे से लोन ले रखा है, अगर कोई भी इनको पैसे डालता है तो उसको दोबारा पैसे नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी इनको पैसे डालता है तो इनको दोबारा पैसे नहीं मिलेंगे। और बस मैं यही कहने वाला था कि धीरे धीरे करके सारे पे लेटर अपनी सेवाएं बंद कर रहे हैं, और जो आज 1 तारीख लेजी पे ने भी अपनी सेवाएं बंद कर दी है। और अगर मेरी इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में लेटेस्ट वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।